तरफ जाओ? हम तो झांसी जा रहे हैं। भाई पैसे नहीं, प्यार के भूखे पैसे नहीं लेते हम। बोलो जो पैसे की बात कर लेता हमारा दिल तोड़ देता वो आदमी। चले आएंगे दोबारा, पिएंगे गन्ने का जूस। नहीं मसाले के शौकीन लगते हैं आप, गन्ने के जूस के नहीं। ये जो आवाज आ रही है ये कह रही कि आप सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाए आप, अब तो घबरा गए जैसे आप हमारे साथ सुरक्षित नहीं, नहीं। गलत लगी? गलत नहीं है, इसे फंदा बन जाएगा ना ये। ये तो आपने फंदा लगा लिया खुद को। हाथ उठाइए, ऐसे क्या है, चालान से भी बचना है ना। अब आपकी कमर तो फंसी, छाती ढीली है, लेकिन फिर भी चलो हम इतनी तेज नहीं चलाते तो आप। तो चाचा क्या नाम रहता अपना? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अर्जुन वही जो तीर मारे था वही वाला अर्जुन है ना। तो ये इसका गुटके का शौक कब से हो गया आपको? बहुत शुरू से। जब ये मान लो कि हम 15-16 साल के थे तब सिखाया। 15-16 साल चालू कर दिया था। अब ऐसे ही करिए एक बार जरा। हाँ ये 16 साल दिख रहा है उसमें, 15-16 से था। उसकी फिनिशिंग बता देती है ना कि आदमी कब से चालू किया किए। तो कहते हैं बहुत साल अगर कोई ये खाए मसाला तो बतासा नहीं खा पाता वो गोलगप्पा। उन्हें सब खा लेती, मुंह खुल जाता पूरा। तीन उंगली जा रही, चार नहीं जाएगी, चार नहीं जाएंगे ना। ट्राई करिए एक बार तीन तो। अरे चली गई चाचा, क्या बात कर रहे हो, मजबूत हो अंदर से आप। इतने साल तो नहीं तो आदमी कोई खाए तो मुंह ही ना खुले। हमारे साल में इसमें काम करते हैं, वहाँ न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल में हम रिपोर्टर हैं। न्यूज चैनल का अभी आपने कभी देखा होगा लुल टीवी? हाँ। देखा है लुल टीवी? उसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा शो आता है उसमें चमकीली टोपी, तो उसमें ये सब इधर उधर की खबरें सब बताया करते हैं। तो पहले जब हमारी नौकरी लगने लगी थी तो हमने बोला कि ये कैसा नाम है लुल टीवी, तो बोले सब ऐसे आजकल नाम ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे आदमी थोड़ा आकर्षित होता है कि इसमें है क्या, लुल टीवी क्या है, तो देखना चाहेगा उसमें। जी बॉस, जी नहीं सर, आज ही हम देंगे ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे जी। नहीं नहीं सर, गाली खाने वाला कोई काम नहीं सर। नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी हम तुरंत ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको सर, तुरंत दे रहे हैं। हमारे बॉस का फोन था, इनको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। नौकरी भाई साहब जितनी कर लो, नौकरी नौकरी है, कहां दे दें ब्रेकिंग न्यूज। अब इनको मालूम नहीं ना इधर गंगा मेला इधर कहां वही सब चल रहा है, अब उनके यहाँ तो चल नहीं रहा, बैठे हम ना बम्बई में, अब ब्रेकिंग न्यूज कहां दे दें इनको। अब कुछ यही खबर अबर बना के हमको देनी पड़ेगी, दो मिनट समय है ना आपके पास? ये अपना इसे कैमरा रहता है इसी पे अपना। तो अभी आपका क्या नाम था? अर्जुन जी। तो अर्जुन जी जैसे हम आपसे पूछेंगे कि होली इसे रंगों का त्योहार है, होली कैसे मनाई जाती है, गुलाल वगैरह सूखे फूलों से उससे मतलब वो हरा पक्का रंग ना लगाएं, नशेबाजी ये सब ना करें, इस तरह थोड़ा हल्का फुल्का आपसे बात करेंगे तो उसी बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम कहेंगे यही चल रहा है अभी माहौल, यही है अभी है अपना। अब कहाँ से ब्रेकिंग न्यूज आप बताते तो यही बनती है जो भाई त्योहार है त्योहार है। तो चलिए बात करते हैं। अर्जुन जी कहाँ रहने वाले हैं आप? हम पुखराया का रहने वाले हैं। पुखराया के अभी शुरू करते हैं। नमस्कार, लुल टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज के दिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ।
अर्जुन जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, इस समय जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, पूरा दिन, सारा दिन, पूरी रात, पिछले कई सालों से इनको गांजे की ऐसी लत लगी है कि आज की डेट में इन्होंने बमुश्किल 15 मिनट का समय कहा है कि मैं आपके लिए निकाल पाऊंगा, नहीं तो मैं होश में नहीं रहता हूँ। आज ये होश में हमारे साथ है। अर्जुन जी, ये गांजे का सेवन आप कब से कर रहे हैं? गांजे का सेवन तो हम नहीं करते। बात घुमा के बात पलट देना, ये इनकी पुरानी आदत कही जाती है। कई सालों से ये सप्लाई जो है वो भी करते आए हैं। तो जैसा कि आपने बोला था कि आप हर थोड़ी देर में चीज भूल जाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसकी आदत आपको जब आप 15 से 16 वर्ष के थे तब से लगी। नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं बोला। आपने ये चीज कही है हमारे पास रिकॉर्ड, ऐसा कहीं कुछ आपने कहा 16 साल से आप। अच्छा, चलिए, सप्लाई कब से कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करते भैया मेरे। भूल चुके हैं ये, और अभी जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन खबर यहीं पे जो है जुड़ी रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि ये खबर यहाँ खत्म नहीं होती है। आज बहुत बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी आज सारा अपना कबूलनामा लाइव हमारे साथ लुल टीवी पर बताएंगे और अपनी इस वक्त गिरफ्तारी पनकी थाने में देने जा रहे हैं, और बाकी का काम पुलिस इनके साथ करेगी। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, नमस्कार। खत्म। ये हमारा लोगो रहता, अब यहाँ पे काट देंगे हम लोग, इसको बना देंगे, इसे ही सब करना पड़ता है भैया, क्या करें बना। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे अर्जुन जी, कि एक छोटी सी आपकी गिरफ्तारी दे देंगे पनकी थाने में। ऐसा गया है, हम छुड़वा लेंगे आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा भाई, नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसा ऐसा सीईओ हमारे दो गली छोड़ के रहता है घर के पास। ऐसा भाई साहब, हमारा चैनल समझा करिए बंद हो जाए। चैनल भाई साहब, ऐसा हम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं भाई, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, हमारे चैनल का मोटो यही है भाई साहब, हम नहीं कर, जैसा आप सोचते हैं ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हम तो मसाला तो खा ही रहे ना, हमको उतार दीजिए फट से। हम पड़े हम हैं भाई साहब, देखिए जरा सी धारा लगती है उसमें तुरंत आप, तो हमको आप उतार दीजिए। गंगा मेला आज बंद होगा, शनिवार इतवार बंद रहेगा, सोमवार घर पहुंच जाओगे। हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे भाई जी। भाई साहब समझा, भाई साहब हम बता रहे हैं, टीआरपी ऐसे ही आती, चैनल ऐसे ही कमाता। हम बता रहे हैं, हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी अभी आपने कहा था साथ देने वाली बात, साथ देने वाली तो हम साथ दे रहे हैं। हाँ, हम ऐसा कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दो मिनट के लिए जाएंगे, एक रिपोर्ट और खबर बनाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे है? सीधी बात, गाड़ी खोलिए आप। नहीं, ये तो नहीं भाई साहब, देखिए आज ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने जो है, गिरफ्तारी आज हमारे बीच में देने जा, टूट जाएगा वो हैंडल, ऐसे नहीं खुलेगा भाई साहब। हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सही, हमें लग रहा है कि ये हमें पुलिस को यहीं तुरंत से तुरंत जो है बुलाना पड़ेगा, और अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आगे जाके बहुत ही पुलिस पड़ती है, उनसे संपर्क साधा जाएगा। यहीं बुलवा लीजिए पुलिस आप। ये शातिर कह रहा है यहीं पुलिस बुलवा लीजिए। हाँ। देख रहे हैं आप, आज हम यहीं पुलिस बुलाएंगे, यहीं बुलाएंगे पुलिस। और आज गिरफ्तारी देखिएगा, पहली बार लुल टीवी पे कोई अपने आप का आत्मसमर्पण करने के लिए यहाँ पर तैयार हुआ है, और कह रहा है कि आप यहीं पर पुलिस बुला लीजिए। अगर हमें पुलिस, ये लाइव चलता है भाई साहब, बुरा मत माने, अगर पुलिस हमें देख रही है तो हमारी लोकेशन ट्रैक करे, हम पेट्रोल पंप के सामने इस वक्त है, और यहाँ पर आगे तुरंत ये गिरफ्तारी देने को खुद से तैयार हुए हैं, जो अभी कुछ देर पहले के लिए मना कर रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, वो कह रहा है यहाँ बुला लीजिए, हम अपनी सहूलियत से अपनी गिरफ्तारी देंगे। लुल टीवी में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, बस हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, और अगर पुलिस हमारे पास दो मिनट में नहीं आती है तो हम नजदीकी थाने में अर्जुन जी के साथ जाएंगे, और ये बहुत सम्मान की बात है कि उन्होंने ये चीज कबूली और आज इस चैनल के माध्यम से वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हमको हमें नीचे तो उतारिए पहले। आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं, हम है, कहीं कुछ नहीं समझ रहे, हमें नीचे उतारिए। देखिए वो एक छोटी जांच करते हैं, आपका मुंह इसीलिए हमने देखा खुला है पूरा, इसका मतलब आप नशा नहीं करते। हमें नीचे उतारिए, अगर नहीं खुलता फट जाते आप, आपकी चारों उंगली जा रही है। अरे वो ठीक है, जा रही या नहीं, नशेबाज का कभी पूरा मुंह नहीं खुलता, बंद रहता। अरे वो ठीक है, आप अपने सबूत पेश करिएगा, हम अपना सबूत पेश करेंगे। नीचे तो हमको उतारिए भैया, आप बात नहीं समझ रहे। हम बात सब आपकी समझ रहे भाई साहब। अरे यार, हम ये भी आपके टीम के हैं, गैंग के हैं, जान पहचान वाले, उनको भी बात कर ले उनसे। करूं बात, जानते हो आपके जान पहचान के? वो मैं जान पहचान के तुम्हें। फिर भाई साहब उनको क्यों बुला रहे थे आप? आपने बोला भाई साहब, बाहर खड़े रहेंगे आप? हाँ, पक्का खड़े रहेंगे, हमारा भी विश्वास मानिए। और भग गए कहीं आप? नहीं भगे तो,
हम खड़े रहे तो हम गाड़ी मोड़ ले चले ना पनकी थाने में। हम यहाँ जानते नहीं पनकी थाने में है हमारी सेटिंग है। नहीं यही हमें उतारिये पहले पहले यही यही जो कुछ होगा तो यही होगा। हाँ यही गाड़ी मानेंगे नहीं आप है यही लगाओ साइड में। ये मिलने वाले हैं आप ये भी ये मिलने वाले नहीं ये होटल में मिलने वाले होटल मिलने वाले ये उतारी। तो मैं वापस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इनको यूटर्न लेके वापस जो है पनकी थाने ले जाने का नहीं हमें उतारी है फिलहाल। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ लाइव अर्जुन जी जो है पनकी थाने में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। पनकी थाने में इस समय ये गिरफ्तारी हमें भाई साहब उतार दीजिए हम बता रहे हैं नहीं हम गाड़ी वाड़ी साहब की हम बता रहे क्या कर रहे थे भैया आप हमें उतारिए यहीं आप भी नौकरी हम भी नौकरी हमें पहले यहीं उतारिए हम कुछ नहीं जानते। अच्छा जा रहे हैं फिर आप। हाँ हमें यहीं तो हम इसका क्या करें जो ब्रेकिंग न्यूज हम यहीं खड़े हैं आप यहीं जो कुछ करिए अब हमको जनता जवाब हमें जवाब हम यहीं देंगे जो कुछ देना। स्टेशन वांट्स टू नो कि आखिरकार ये कहानी कहाँ तक चलती रहेगी और कितना भाई साहब दे दो हमको यहीं उतारिए पहले हम यहीं देंगे जो कुछ उतारिए हमें। आप समझ नहीं रहे हमारी बात हम बता रहे हैं हम है धमकी दी जा रही है धमकी नहीं दी जा रही धमकी दी जा रही है और मारने की बात कही जा रही है। ये हमारे ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं हाथ उठाना चाहते हैं हमारे ऊपर हाथ उठा देना चाहते हैं ये और कह रहे किस कौन से कि अपनी किसी टीम मेंबर को बुला रहे हैं और अपने क्या नाम भाई साहब इनका जानते हैं आप अर्जुन जी। अच्छा सुनिए हमें उतारिए अर्जुन जी मेरी बात सुनिए ये हमारे चैनल का लोगो रहता है हमें पहले उतारिए मेरी बात तो सुनिए अर्जुन जी भाई साहब गेट खुलवाइए खुलवाओ खुलवाओ अरे इधर आइए हाँ खोलो एक मिनट खोल ले रुकिए उनको बता दें वो समझ जाएंगे समझ क्या जाएंगे ये यार जबरदस्ती विजयनगर से बैठा ले हो दुनिया बातें बना रहे हैं। खोलो क्या नाम है भैया आपका बेल्ट ये हटाओ नाम क्या आपका भैया आपका नाम क्या है पहचान गया आप हमें कि नहीं पहचान पहचान गया सुनो वो पहचान वो ठीक है सुनो मेरी बात मैं पूरा भू वो देखो वो भी पहचान गया एक मिनट रुको रुको चुप सुनो इसीलिए हम बोल रहे थे सुनो मेरी बात हाँ उतार देना आप यहीं से उतर जाओगे सुनो हम दो मिनट में दे दो बात कर रहे दो मिनट दे दो दो मिनट दे दो। अनजान आदमी जो लोगों से लिफ्ट मांगता ना उसको बैठाते हैं थोड़ा हंसी मजाक करते हैं ये कैमरा लगा हुआ है घबराओ नहीं आप आराम से यहाँ से जाओ गाड़ी करके और एक चीज आपके साथ और हमें करनी है वो ये है आप टेंशन ना लो है ना इन दो में से किसी पे एक पे हाथ रखो आप हम वहीं घबरा रहे थे हमने कहा दिन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है दिन में इतनी जल्दी आदमी ऐसा देखिए किसी की नियत करना दिन में पता है ना रात में पता है नहीं बहुत बार हो अब इसमें धीरे से देखो आपके लिए कुछ काम का है या नहीं बहुत बार ऐसा भाई साहब हो चुका है खुश अब बढ़िया किराए की गाड़ी से जाएंगे लिफ्ट तो नहीं लेंगे कभी हम वैसे भी घबरा रहे थे वहीं पे तो हमने सोचा भाई साहब हैं तो हमने कहा ऐसा जल्दी जल्दी दिन में हर एक आदमी ऐसा नहीं लेकिन ऐसा कईयों के साथ हो जाता है बहुत बार हुआ है अनजान आदमी के साथ बैठने से पहले सोच